डेविड जे श्वार्ज की पुस्तक है वड्डी सोच दा वड्डा जादू। पहला लेख, विश्वास करो कि तुसी सफल हो सकते हो ते तुसी हो जाओगे। सफलता मतलब बहुत ही अद्भुत ते चंगियां चीज़ां। सफलता दा मतलब है अमीरी, शानदार घर, मज़ेदार छुट्टियां, यात्रावां, नवीं चीज़ां, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों नूं ज़्यादा तो ज़्यादा खुशहाली देना। सफलता का मतलब है प्रशंसा के पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस ते समाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है आज़ादी, चिंतावान, डर, कुंठावान ते असफलता तो आज़ादी। सफलता का मतलब है स्वयमान, जिंदगी का असली सुख ते जीवन संतुष्टि। ते जिहड़े लोग तुहाडे आसरे हन उन्हां लई ज़्यादा तो ज़्यादा करन दी समर्था। सफलता का मतलब है जितना। सफलता उपलब्धि मनुखी जीवन का निशाना है। हर इंसान सफलता चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उन्हें जिंदगी का हर सुख मिले। कोई भी किसड़ किसड़ के आम जिंदगी नहीं जीना चाहता, कोई भी सैकेंड क्लास नहीं देखना चाहता, जां इस तरह का जीवन नहीं गुजारना चाहता। सफल जीवन का विहारक राह सानू बाइबल की उस पंक्ति च विखाया गया है जिदे अनुसार श्रद्धा नाल पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। विश्वास करो, सचमुच विश्वास करो कि तुसी पहाड़ हिला सकते हो, तुसी वाकई इस तरह कर सकते हो। ज़्यादातर लोगों नूं यह विश्वास ही नहीं हुंदा कि उन्हां विच पहाड़ हिलाउण दी समर्था है। इहदा नतीजा यह हुंदा है कि वह इस तरह कदे नहीं कर पाउंदे। किसी मौके ते तुसी शायद किसी नूं ये कहंदे सुनिया होएगा, ये सोचना बकवास है कि तुसी किसी पहाड़ नूं ये कह के हिला सकते हो, पहाड़ मेरे राह तो हट जाओ। ये नामुमकिन है। जिहड़े लोग इस तरह सोचते हैं उन्होंने आस्था ते इच्छा दे विचकार दे फर्क नूं भली भांत नहीं समझिया। ये सच है कि केवल इच्छा करन नाल ही तुसी पहाड़ नहीं हटा सकते। सिर्फ इच्छा करन नाल तुसी एग्जीक्यूटिव नहीं बन जाते। केवल इच्छा करन नाल ही तुसी पांच बेडरूम ते तीन बाथरूम वाले घर के मालिक नहीं बन जाते, जां तुसी अमीर नहीं बन जाते। केवल इच्छा करन नाल ही तुसी लीडर नहीं बन जाते। पर जेकर तुहानू भरोसा है तो तुसी पहाड़ हिला सकते हो। जेकर तुहानू अपनी सफलता ते भरोसा है तो इस भरोसे के सहारे तुसी सफलता हासिल कर सकते हो, दुनिया जित सकते हो। निश्चय जां विश्वास की शक्ति के बारे कुछ भी जादुई जां रहस्यमई नहीं है। भरोसा इस तरह काम करता है, मैनूं भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हाँ वाला रवैया सानू वो शक्ति, योग्यता ते ऊर्जा दिंदा है जिदे सहारे असी वो काम कर पाउने आ। जब तुहानू यकीन हुंदा है कि तुसी कोई भी काम कर सकते हो तो तुहानू अपने आप ही पता चल जाता है कि इसनू किवें कीता जा सकता है। रोज़ाना देश भर च नौजवान लोग नवीं नौकरियां शुरू कर रहे हैं। ये सारे नौजवान चाहते हैं कि किसी दिन वो सफलता के शिखरां ते पहुँचण दे ते सफल बनन। पर इन्हां विचों ज़्यादा लोगों को यह भरोसा ही नहीं हुंदा कि वह कभी शिखर ते पहुँच जाणगे। इस कारण वो शिखर ते नहीं पुज पाउंदे। जेकर तुसी ये मन लो कि शिखर ते पुजना असंभव है तो तुसी उन्हां पौड़ियां नूं नहीं लभ सकोगे जिन्हां दे सहारे तुसी शिखर ते पुज सकदे हो। इहो जिहे लोग सारी जिंदगी आम बंदियां दी तरह ही व्यवहार करदे रहिंदे हन। पर उन्हां विच्चों कुछ नौजवानां नूं भरोसा हुंदा है कि वह सफल हो सकदे हन। वह अपने काम के प्रति मैं शिखर ते पुज के दिखावांगा वाला रवैया रखते हैं, तो क्योंकि उन्होंने भरपूर विश्वास होंदा है तो इसलिए वह शिखर ते पुज जाते हैं। ये जानते हुए कि वह भी सफल हो सकते हैं तो ये असंभव भी नहीं है, ये लोग अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव दे वर्ताव नू गौर नाल वेखते हैं। वह सीखते हैं कि सफल लोग किस तरह उलझणा नू सुलझाउंदे ते फैसले लैंदे हैं। उस सफल लोगों की मनोबिरति ध्यान नाल वेखते हैं। जिस मनुख नू भरोसा हुंदा है कि वह काम कर लेगा, उन्हें हमेशा उस काम नू करन दा तरीका लभ जांदा है।
मेरी एक वाकफ औरत ने 2 साल पहला फैसला किया कि वह मोबाइल होम वेचण की सेल्स एजेंसी बनाएगी। उन्होंने कई लोगों ने सलाह दी कि उन्होंने ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वह इवें नहीं कर पाएगी। उस औरत को पूंजी के नाते सिर्फ $3,000 सन, तो उन्होंने दसिया गया कि इस काम शुरू करने इस तो कई गुणा वध पूंजी की लोड़ होएगी। उन्होंने समझाया गया इस विच मुकाबला बहुत है, तो इस तो इलावा तुहाडे कोल मोबाइल होम वेचण का कोई तजर्बा नहीं है, तुहानू बिजनेस चलाउण का कोई अनुभव भी नहीं है। पर इस जवान औरत नू अपनी योग्यता ते भरोसा सी। उन्हूं भरोसा सी कि वह सफल होएगी। वह मनदी सी कि उहदे कोल पूंजी नहीं है। बिजनेस विच सचमुच सख्त मुकाबला सी ते उस कोल अनुभव की भी घाट सी। पर उन्हें कहा, मैनू यह स्पष्ट दिख रहा है कि मैं मोबाइल होम इंडस्ट्री बड़ी तेजी नाल फैलती वेख रही हूँ। इस तो इलावा मैं अपने बिजनेस होण वाले मुकाबले का अध्ययन कर लिया है। मैं जानती हाँ कि मैं इस बिजनेस नूं इस शहर विच सब तो वधिया ढंग नाल कर सकती हाँ। मैं जानती हाँ कि मेरे को थोड़िया बहुतिया गलतियां तो होणगियां, पर मैं सिखर ते तेजी नाल पुजना चाहती हाँ। तो पुज गई। उन्हू पूंजी जुटाउण विच कोई खास समस्या नहीं आई। इस बिजनेस विच सफल होण दे उहदे दृढ़ विश्वास नू वेख के 2 निवेशकां ने उहदे कारोबार विच निवेश करन दा खतरा लिया ते दृढ़ निश्चे दे सहारे उहने असंभव नू संभव कर विखाया। उसने बगैर एक पैसा भी दित्ते एक ट्रेलर बनाउण वाले तो माल एडवांस लै लिया। पिछले साल उन्हें $1 करोड़ तो वध कीमत दे ट्रेलर वेचे। अगले साल उहदा कहना है, मैनू आस है कि मैं $2 करोड़ का आंकड़ा पार कर जावांगी। विश्वास, दृढ़ विश्वास दिमाग नू प्रेरित करदा है कि वह निशाने नू प्राप्त करन दे ढंग साधन ते उपा लभे। ते जेकर तुहानू भरोसा हो जाए कि तुसी सफल हो सकते हो, तो इस नाल दूजे भी तुहाडे ते भरोसा करन लग पैंदे हन। ज़्यादातर लोग विश्वास की ताकत ते भरोसा ही नहीं करते, पर काफ़ी लोग करते हैं। जिवें अमरीका दे सक्सैसफुल विले विच रहण वाले नागरिक। कुछ हफ्ते पहला मेरे एक दोस्त ने, जिहड़ा हाईवे डिपार्टमेंट विच अफसर है, ने मैनू एक पहाड़ हिलाउण वाला अनुभव दस्या। पिछले महीने मेरे दोस्त ने दस्या, साडे विभाग ने कई इंजीनियरिंग कंपनियां नू टेंडर नोटिस दिते। सानू अपना हाईवे बनाउण लई किसी फर्म कोलों 8 पुलां दे डिज़ाइन बनवाउणे सन। पुलां दी लागत $5 करोड़ सी। जिस भी इंजीनियरिंग फर्म नू चुनिया जांदा, उन्हूं डिज़ाइनिंग दे काम लई 4% दा कमीशन दिता जाणा तय सी, मतलब कि $2 लख। मैं इस बारे 21 डिज़ाइनिंग फर्मां नाल गल कीती। सब तो वड्डियां 4 कंपनियां ने तो तुरंत ही प्रस्ताव भेज दिते। बाकी दियां 17 कंपनियां छोटियां सन, उन्हां चों केवल 3 तो 7 इंजीनियर ही सन। प्रोजेक्ट इन्ना वड्डा सी कि इन्हां चों 16 तां इहदे आकार नूं वेख के ही घबरा गईआं। उन्हां ने इन्ने वड्डे प्रोजेक्ट नूं देखिआ, अपने सिर नूं हिलाया ते इस तरह दीआं गल्लां कईआं, इह साडे लई बहुत वड्डा प्रोजेक्ट है, काश असीं इस नूं कर पाउंदे, पर कोशिश करन नाल कोई फायदा नहीं। पर इन्हां विच्चों एक छोटी फर्म ने, जिस कोल केवल 3 इंजीनियर सन, प्रोजेक्ट का अध्ययन किया ते कहा, असीं इहनूं कर सकदे हां। असीं एक प्रस्ताव तां भेज ही दिंदे हां। उन्होंने प्रस्ताव भिजवाया ते इह काम उन्हां नूं मिल गया। जिन्हां नूं भरोसा हुंदा है कि उह पहाड़ हिला सकदे हन, उह इस तरह कर सकदे हन। जिन्हां नूं यकीन हुंदा है कि उह पहाड़ नहीं हिला सकदे, उह इस तरह नहीं कर पाउंदे। विश्वास करन नाल ही इस तरह करन दी शक्ति मिलदी है। दरअसल अजोके दौर विच विश्वास ते भरोसे ते पहाड़ हिलाउण तों भी ज़्यादा वड्डियां चीज़ां करना मुमकिन हन। अजोके पुलाड़ प्रोग्राम दा बुनियादी असूल यह है कि पुलाड़ नूं जितया जा सकदा है। मनुख पुलाड़ विच यात्रा कर सकदा है। इस दृढ़ विश्वास तो बिना साढ़े विज्ञानकों में वो हिम्मत, उत्साह ते रुचि पैदा नहीं हो पाती, जिस तो उन्होंने अगे वधन का हौसला मिलता है।
ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਟਲ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹਰ ਸਫਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਰਚ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਫਲ ਆਦਮੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਬਤ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਅਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਈ, ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਦਰਅਸਲ ਜਦ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਦਮੀ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਸ਼ੱਕ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਚੇਤਨ ਇੱਛਾ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਚੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਉਹਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਬ ਐਕਸ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਨਾਬ ਐਕਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਸੁਪਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉਹ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ ਜੋ ਔਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਕਾਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚਾਲ ਢਾਲ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁੰਗੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਬੌਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ।
एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कोई भी बंदा हो जिया ही हुंदा है, जिहो जिहे उहदे विचार हुंदे हन। वड्डियां गल्लां ते यकीन करो, अपने थर्मोस्टेट नूं अगे वल सैट करो। अपनी सफलता की मुहिम की शुरुआत इस सच्चे संजीदा विश्वास नाल करो कि तुसी सफल हो सकते हो। जेकर तुहानूं भरोसा है कि तुसी महान बन सकते हो, तो सचमुच ही तुसी महान बन जाओगे। कई साल पहला मैं डिट्रॉयट विच एक व्यापारियों के समूह नूं संबोधित कर रहा सी। चर्चा तो बाद एक आदमी मेरे को आया तो उन्हें अपनी जान पछाण कराउण तो मगरों कहा, मैनूं तुहाडियां गल्लां पसंद आईयां, कि तुसी मैनूं कुछ समां दे सकदे हो? मैं तुहाडे नाल अपने निजी अनुभवां ते विचारां नूं सांझा करना चाहुंदा। कुछ ही समां बाद असी एक रेस्टोरेंट च बैठे हुए सी। मेरा एक निजी अनुभव है, उन्हें शुरू किया, जिहड़ा तुहाडी इस शाम की चर्चा नाल संबंधित है, जिस विच तुसी कहा सी कि किवें तुसी अपने दिमाग नूं अपना सहयोगी बना सकते हो, ना कि अपना विरोधी। मैं अज तक किसी नूं इह नहीं दस्सिया कि मैं अपने आप नूं किवें होर औसत लोकां दी दुनिया तो उच्चा उठाया, पर मैं तुहानूं इह दसना चाहवांगा ते मैं इह सुनना चाहवांगा। मैं क्या अज तो 5 साल पहला मैं भी होरां वांग ही सी। मेरी जिंदगी घिसड़ रही सी, मेरी कमाई औसत सी, पर यह आदर्श नहीं सी। साडा घर बहुत छोटा सी ते साडे कोल साडियां मनपसंद चीज़ां खरीदण लई पैसे भी नहीं सन रहिंदे। मेरी पत्नी रब उहदा भला करे इस गल की कोई शिकायत भी नहीं सी करदी, पर उहदे चेहरे ते साफ लिखिया होया दिस रहा सी कि उहने किस्मत दे सामने हार मन ली है ते उह सचमुच खुश नहीं है। अपने अंदर मैं बहुत ही असंतुष्ट महसूस कर रहा सी जदों मैं देखिया कि मैं किस तरह अपनी चंगी पत्नी ते दो बच्चियां नूं आदर्श जीवन शैली नहीं दे पा रहा, तां मैनूं अंदरों बड़ी सट वजी। पर अज सब कुछ बदल गया है, मेरे मित्र ने कहा। अज असी 2 एकड़ दे प्लॉट ते बने हुए अपने सुंदर नवें घर च रहने हां, जिहड़ा इत्थों 200 मील की दूरी ते है। अज सानूं इस गल की कोई फिक्र नहीं है कि असी अपने बच्चियां नूं चंगे कॉलेज भेज सकांगे कि नहीं। अज मेरी पत्नी जदों नवें कपड़े खरीदती है, उन्हें यह नहीं लगता कि वह कोई गुनाह कर रही है। अगली गर्मियां दियां छुट्टियां च असी सारे 1 महीने दियां छुट्टियां मनाउण लई यूरोप जा रहे हैं। असी सचमुच ही जिंदगी का आनंद माण रहे हैं। इस तरह किवें होया, मैं पूछा। उहदा जवाब सी, तुसीं अज शामी एक गल कही सी, अपने विश्वास की शक्ति नूं संजोवो। मैं उही कीता, नतीजा तुहाडे सामने है। 5 साल पहला मैं डिट्रॉयट की एक टूल एंड डाई कंपनी बारे सुनिया। असी उस समय क्लीवलैंड च रहिंदे सी। मैं निर्णा लिया कि कोशिश करन च की नुकसान है, शायद कुछ ज़्यादा तनखाह मिल जाए। मैं इत्थे एतवार की शाम नूं ही आ गया, जदों कि इंटरव्यू सोमवार नूं सी। डिनर तो बाद मैं अपने होटल के कमरे च बैठा होया सी ते पता नहीं क्यों मैं अपने आप नूं कोसन लग पिया। आखिर क्यों, मैं अपने आप तो पुछया, आखिर क्यों मैं एक असफल इंसान वांग मिडल क्लास की दलदल च फसिया होया। आखिर क्यों थोड़ी ज़्यादा तनखा ली मैं इत्थे नौकरी हासिल करन की कोशिश कर रहा। मैं अज तक ये नहीं जान सकिया कि मैं इस तरह क्यों किया, पर इस तो बाद मैं होटल का नोटपैड लिया। नोटपैड से मैं अपने तो ज़्यादा सफल 5 लोगों के नाँ लिखे, जिन्हों मैं सालों तो जानता सी, जिन्हों की आमदन ते नौकरी मेरे तो काफ़ी चंगी सी। 2 तो मेरे पुराने गुआढ़ी सन जिहड़े हुण एक पॉश कॉलोनी च रहिंदे सन। 2 लोगों लई मैं पहला काम करिया करदा सी ते 1 मेरा रिश्तेदार सी। इस तो बाद मैं अपने आप नूं पुछया कि मेरे इन्हां 5 मित्रां च इहो जिहा की है जिहड़ा मेरे कोल नहीं। मैं अपनी ते उहनां दी बुद्धि की तुलना कीती ते ईमानदारी नाल विश्लेषण करन नाल पाया कि जिथे ताईं बुद्धि दा सवाल है, मेरे तो बेहतर नहीं सन। ना ही वह मेरे तो पढ़ाई, चरित्र जां व्यक्तिगत आदतां च चंगे सन। आखिरकार मैं सफलता दे इक इहो जिहे गुण ते आया जिहदे बारे काफ़ी चर्चावां हुंदियां हन। पहल करना, मैनू यह मनण च काफ़ी परेशानी हुई, पर इनू मनण दे इलावा कोई चारा भी नहीं सी। इस मामले च मेरा रिकॉर्ड उन्हां दी तुलना च काफ़ी थल्ले सी। इह सारा कुछ सोचदे सोचदे सवेर दे 3 बज गए, पर मेरा दिमाग बड़ा स्पष्ट सोच रहा सी। जिंदगी च पहली बार मैं अपनियां कमजोरियां नू देख पा रहा सी। मैं पाया कि इस
ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰੇ ਖਾਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਦੇ ਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸਤੇ 'ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਤੋਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ $750 ਜਾਂ $1,000 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ $3,500 ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਾਮਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ।